अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुज़ैर और हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की वीडियो एक स्कूल की है जो कि 2022 यानी जदीद दौर में भी जिस स्कूल में बच्चे पुराने ज़माने की जिस तरह ना स्कूल में बेंच ना कुर्सियाँ ना कोई सहूलत मैसर इस तरह की तालीम हासिल कर रहे हैं। तो नाज़रीन आज हम आपको उस पूरे स्कूल का भी विज़िट करवाएँगे। तो चलते हैं हम स्कूल की तरफ और मिलते हैं वीडियो के आखिर में। जी तो नाज़रीन हम स्कूल के अंदर आ गए हैं और हम स्कूल के जो टीचर हैं उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है, तो इनसे हम कुछ मालूमात जो कि मिली हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये स्कूल कब का तमीर हुआ और कब से यानी कि इसकी जदोजहद जारी है और ये अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ। तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, ठीक है आप पहले से? तो क्या कहना चाहेंगे आप स्कूल के बारे में? देखिए 2005 के तब्दीली के बाद जिस तरह पूरे आज़ाद कश्मीर में स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो गया, उसी तरह ये हमारा पूरी तबाह हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने मुकामी एक ठेकेदार साहब है उन्होंने जिसका ठेका लिया और देखें तकरीबन 2017 साल गुजरने के बावजूद आज तक ये बिल्डिंग स्कूल के हवाले नहीं हो सकी है और ये अभी तक हम कम्प्लीट है। इसकी जो हालत है वो आपके सामने है। बच्चे आज भी इस दौर जदीद में भी नीचे ज़मीन पर बैठने का और हम हमारे अपने पास चेयर नहीं थी, हमने दो चेयर किसी बंदे से 1900 रुपये की पिछले साल उसने लेकर दी जहाँ पर हम बैठते हैं, तो बच्चे तो सारे ज़मीन पर ही बैठते हैं। अगर हमारे पास बाहर से मेहमान आ जाए तो वे पिछली गवर्नमेंट ने गुजरात खुद फारूक कैदर साहब का ब्रेकफास्ट भी कर दिया और उन्होंने इस बात की यकीन दानी करवाई थी मुझे कि आपके स्कूल का जो मुशाह मौजूदा गवर्नमेंट से मिलाकर मंसूर साहब से मैंने दो तीन बार ये रिक्वेस्ट की कि आप हमारे स्कूल की जो बिल्डिंग है उसके बारे में कुछ करें, तो उन्होंने मुझे यकीन दानी करवाई है लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई परेशानी आ रही है। जी तो नाज़रीन आपने सुना कि 17 साल के अरसे में अभी तक ये इमारत जो है कंप्लीट नहीं हुई और बच्चे इस जदीद दौर में भी ये ना तो कोई 2005 का दौर है ना 2006 का दौर है बल्कि ये 2022 जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है और इसमें भी बच्चे ज़मीन पर बैठ कर तालीम हासिल कर रहे हैं। तो नाज़रीन चलते हैं हम आपको पूरे स्कूल की एक एक चीज़ हर जो जो इनकम्प्लीट चीज़ें हैं सब दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन ये है स्कूल की छत जो कि अभी तक आप देख सकते हैं इसकी हालत, वहाँ सामने नीचे ये अलमारी बन रही थी और जो कि अभी तक अनकम्प्लीट ही है, कम्प्लीट नहीं हुई। ये जैसा कि बताया हमें ये दो कुर्सियाँ जो कि इन्होंने चंदा वगैरह करके ली हैं, इसके अलावा यहाँ पे कोई सहूलत मौजूद नहीं है। और ये खिड़कियाँ हैं इनके भी अभी तक शीशे वगैरह और बाकी बच्चे ठंड में यहाँ से ठंडी हवा भी आती है और दीगर मसाइल होते हैं जिससे बच्चों के बीमार होने का भी खतरा होता है। नाज़रीन आपको आगे भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन ये आप देख सकते हैं ये वायरिंग का जो सिस्टम है ये भी बिल्कुल डैमेज हुआ हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बिजली का भी कोई निज़ाम नहीं है। शदीद गर्मी में भी बच्चे गर्मी से लाचार हो जाते हैं और ना वायरिंग वाला कोई ऐसा सिस्टम है जो जिसकी वजह से बच्चे गर्मी से बच सकें। जी तो गाइस ये बच्चे आप देख रहे हैं ये जो बनाया हुआ ये आपने खुद बनवाया है? जी ये तो साहब। अच्छा ये देख लें ये अभी बच्चों के लिए खुद ही बैठने के लिए इंतज़ाम किया हुआ है, ये भी अनकम्प्लीट है। और इधर भी आप देख सकते हैं ये बच्चे सहूलतें तो कोई भी नहीं है। 2005 के बाद अभी तक ये उसी तरह है जिस तरह यानी कि डैमेज हुआ था उसके बाद अभी तक ये इमारत कंप्लीट नहीं हुई। जी तो नाज़रीन आपने ये कुर्सी देखी है यहाँ पे जो स्कूल के उस्ताद कराम हैं वो बैठते हैं उनके लिए ये चेयर है और ये आप देख सकते हैं ये चेयर यहाँ से बिल्कुल डैमेज है, ये भी खुद ही ऊपर लगाया हुआ है। तो यही गुजारिश है कि इनके लिए भी हुकूमत
बेहतर से बेहतर इकदाम इनको मैसर करें ताकि ये बच्चों को बेहतर तालीम दे सके। वॉशरूम में ये आप देख रहे हैं सीट एडजस्ट नहीं हुई है इसकी, तो इसके अंदर उन्होंने गन फेंक के चले गए। और ये जो बाकी हमारे पास ये जो दो वॉशरूम है ये अपनी मदद आपके तहत हमने सर्च करवाए बच्चों से मिल के, बच्चों ने भी हमारे साथ तावन किया और हमने जो मिलजुल कर लिए मिलजुल किया। इसी तरह ये वाला जो वॉशरूम है ये भी, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गेट रस्सियों और तारों के साथ बांधा हुआ है, ना इसके साथ कब्जे हैं ना कुछ। और ये गेट की हालत आप देख सकते हैं। सबसे मेन चीज़ होती है स्कूल का नाम, स्कूल का जो बोर्ड होता है, और आप ये देख सकते हैं ये स्कूल के बोर्ड की जगह है जहाँ पे सरिये ऐसे ही पड़े हुए हैं और वो साइड यहाँ पे लगता है बोर्ड, और स्कूल का बोर्ड भी नहीं लगाया गया। एक उसार्जा मिले तो इनसे हम पूछते हैं, तो आप बता सकते हैं स्कूल की हालत का जिम्मेदार कौन है? जी सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने ये विज़िट किया। मेरे ख्याल में मुझे स्कूल में एक 1 ईयर से ज़्यादा टाइम हो चुका है और पहली दफ़ा कोई ऐसा बंदा आया जिसने स्कूल का विज़िट किया है, तो आपने बखूबी इस इमारत का विज़िट किया है। ये अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये अर्थक्वेक में डैमेज हुई थी, उसके बाद ये अभी तक इसका काम इसी तरह ताहाल जारी ही है। ये मैंने एक दफ़ा पहले भी इस अपनी अपॉइंटमेंट के बाद मैंने एक दफ़ा चक्कर लगवाया था मुजफ्फराबाद ईरा के दफ्तर में, तो उधर ये शिकायत दर्ज भी की थी और इसी तरह पड़ी हुई है। वो कह रहे हैं कि हमारे रिकॉर्ड में 95% ये हमारा कंप्लीट है। 95% आपने इसका हाल देख लिया है कैसा है, और उसके बावजूद हमारे पास इसके अलावा, पहले तो इसकी कंस्ट्रक्शन की बात है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन ही आप समझ लें कि 2005 के बाद अभी तक कितने ईयर हो चुके हैं, ये अभी तक कम्प्लीट नहीं हो पाई है। तो दूसरी ये बात कि इन बच्चों के लिए कोई फर्नीचर का इस तरह का कोई बंदोबस्त नहीं है। एक तो ये गवर्नमेंट स्कूल है, इस गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादातर ये गरीब तबका जो है, ये मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके बच्चे स्कूल में आते हैं, क्योंकि जो भी अमीर होते हैं या जो साहिब सरवत लोग होते हैं वो तो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं ज़्यादातर, लेकिन इस तरह से ये गरीब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और हम इन्हें तालीम दान देने के लिए कोशिश आएँ। तो होना तो ये चाहिए कि स्कूल के लिए एक अच्छी सी बिल्डिंग होनी चाहिए, और दूसरा ये कि टोटल 2 रूम हैं हमारे पास इस वक्त भी स्कूल में, ये 5 की 5 क्लासें चल रही हैं, तो लेकिन इसके लिए बिल्डिंग जो हमारे पास अवेलेबल है वो टोटल 2 रूम्स पर मुश्तमिल है, और 2 रूम्स की आपने हालत भी देखी है वो भी उस तरह से कम्प्लीट नहीं है। और दूसरा ये कि हमारे पास सबसे मेन इशू ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई बंदोबस्त नहीं है, दूसरा वाटर का कोई नहीं है। उस तरह वॉशरूम की आपने हालत देखी है, वॉशरूम तो ये बने हुए हैं ऊपर से, ये स्ट्रक्चर ही बना हुआ है, अंदर की हालत आपने खुद देखी है, अभी तक इसमें कोई पानी वगैरह नहीं है, कोई उस तरह का सिस्टम नहीं है, बच्चे इधर से बाहर जाते हैं और उनका अच्छा खासा टाइम वेस्ट होता है बाहर जाते और फिर अंदर आने के लिए। इसी तरह स्कूल में बाकी भी आप देख सकते हैं जो भी आपकी नज़रों के सामने ही है, तो मेरी तो अहकाम बाला से यही इल्तमास है कि एक तो सबसे पहले आप ये जो इस स्कूल का जो भी कंस्ट्रक्शन जिसको भी दी हुई है उस पर आप कम से कम ये है कि उसको रिकॉल करवाएं कि ये भी बिल्डिंग अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन ही पड़ी हुई है। दूसरी ये कि इन बच्चों को का मुस्तकबिल कैसे रोशन होगा, हम इस हालत में भी इन्हें तालीम देने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बारिश हो तो जो भी जैसा भी मौसम हो हम लगे रहते हैं कि इनको तालीम देने के लिए और रोज़ाना हम आते हैं इसीलिए, लेकिन यह है कि इनका ये आगे से जो इनके पास है इस तरह का कोई बंदोबस्त ही नहीं है कि हम प्रॉपर वे से इन्हें तालीम दे सकें। तो फिर एक दफ़ा हम शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये हमारी आपने ये जो भी बना रहे हैं डॉक्यूमेंट ये जो भी ये काम है बाला तक जरूर पाएंगे। थैंक यू आपका बहुत शुक्रिया। तो बच्चों आप हुकूमत से क्या गुजारिश करना चाहोगे? हम हुकूमत से गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे लिए कुर्सियाँ ताकि हमें भी पढ़ सकें।
अडियोला चौकी के मुकाम पर जो कि तमीर पजीर है, जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। तो कुछ बातें आपसे भी स्कूल की जो टीचर हैं करना चाहेंगे, इनसे भी गुजारिश करते हैं। आप इस स्कूल का नाम है गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल अडियोला है, और तकरीबन 50 से ज़ायद बच्चे और बच्चियाँ इस स्कूल में ज़ेर तालीम हैं जो इस वक्त तालीम हासिल कर। जी तो गाइस, हमारा आज का जो व्लॉग है बड़ा एक तो सैड स्टोरी पे मुश्तमिल है, और हमारे व्लॉग का आज यहीं पे एंड होता है। तो कुछ दो चार बातें अदन भाई आपसे कहना चाहते हैं, तो इनकी भी गुजारिश सुन लें। तो नाज़रीन, आपने स्कूल की पसमानगी को देखा है, तो हमें यह देखकर बहुत अफसोस हो रहा है, और हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि खुदा रहा इन बच्चों की हालत पर रहम किया जाए और इनको बेहतरीन से बेहतरीन सहूलियात फ्राहम की जाए, ताकि ये भी दूसरे बच्चों की तरह तालीम हासिल कर सके और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।